चल रहा था कि यमराज जी अपना अंतिम श्लोक के द्वारा ये बात कह रहे जा रहे हैं कि वे आप तो परमात्मा हैं, हम अज्ञानी और हमारे अनुचर जो अज्ञानियों के द्वारा किए हुए यह यदि किसी भी प्रकार का दोष हो वो आप क्षमा करें। क्षांतिर्गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने, ये था ना, स्वानाम अहो न विदुषाम रचितांजलि नाम, क्षांतिर्गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने। क्योंकि आप भगवान हैं, परम पुरुष पुराण पुरुष हैं, नारायण हैं, हमारे पुरुषों के द्वारा यत किंचित यदि असत्कृत है तब आप अवश्य उसको क्षमा करें। और जो स्वानाम और न विदुषाम, अविदुषाम से नहीं किया नहीं तो छंद भंग हो जाता, नहीं तो अविदुषाम कर सकते थे, नए समस्या नहीं किया, न विदुषाम यदि अविदुषाम स्वानाम अविदुषाम अज्ञानी भूता हमारे अपने लोगों के स्वीयानाम भक्तानाम न अस्माकम न विदुषाम अज्ञानाम ओ गरीयसी तस्मिन क्षांतिर्युक्ता एव इत्यर्थ। क्षांतिर्गरीयसी मैंने आपकी तरफ क्षमा करना, इससे आपका आदर ही बढ़ेगा और अच्छा ही होगा, वही उचित ही होता है। ऐसे आप सर्वव्यापक परमात्मा के लिए भूमने पुरुषाय नमः, व्यापक परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है। तस्मा संकीर्तनम विष्णोर जगद मंगल संगमंगसाम महतामपि कौरव्य विद्ये कांतिक निष्कृतम। तस्मा संकीर्तनम विष्णोः, इसलिए जगत मंगलम अंगसांच महतामपि, कहते हैं समस्त जगत का मंगलकारी है भगवान का नाम संकीर्तन, और महान से महान भी पाप क्यों ना हो उन सब को एकांतिक निष्कृतम इति विद्धि। हे कौरव्य, यहां तक सुखदेव महाराज बोल नहीं रहे, शुकोवाच बोलना चाहिए, यदि लिखना चाहिए शुकोवाच ये होना चाहिए। हाँ तस्मात, ये सुखदेव महाराज अपने तरफ से कर रहे हैं, इसलिए भाई संकीर्तनम विष्णु हो, विष्णु का जो संकीर्तन है वो कैसा है, जगत को मंगल प्रदान करने वाला, कल्याण प्रदान करने वाला है, जगतोपि मंगल रूपम इत्यर्थ। और महतम अपिहसाम, महान से महानतम पापी क्यों न हो, हे कौरव्य अरे परीक्षित सुनो, होता क्या है, एक आदमी निश्चित रूपा नियमित रूपेण निष्कृतम एकमात्र विनाशक ये भगवान नाम संकीर्तन ही है। निष्कृत्यम पाठ कर निष्कृतम ज्यादा ठीक है, विनाशकम इत्यर्थ। श्रृण्वताङ्ग्रणदाहं वीर्याण्युद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धिन्नात्माव्रतादिभिः। कहते हैं कि भाई श्रृण्वताङ्ग्रणतां वीर्याणि उद्दामानि हरेः मुहुः, बारंबार हरि का उदार चरित्र भूता जो चरित्रों का सम्यक प्रकार से कथन करने वाले और सुनने वालों के लिए, वो भी यथा सुजातया भक्त्या सम्यक प्रकार से हृदय में उत्पन्न भक्ति के द्वारा श्रृणुता गृणतांच व्रतादि भी आत्मा न शुद्धेत, उससे जिस प्रकार से भक्ति से जिस प्रकार से शुद्धि हो जाती, यथा शुद्धेत न तथा व्रतादि भी, ऐसा जोड़ ले, यथा भक्तिया शुद्धेत न तथा व्रतादि भी, व्रतादियों के द्वारा आत्मने अंतकरण उस प्रकार शुद्धि नहीं हो सकता, एकमात्र भक्ति है जो सम्यक प्रकार से अंतकरण को शुद्ध करता हुआ वासना को क्षय करने में समर्थ है। कृष्णांग्र पद्म मधुलिन्न पुनर विसृष्ट माया गुणेशु रमते व्रजनावहेशु अन्यस्तु काम हत आतर जप परमार्ष्ठम् कर्म यतएव रज पुनः स्यात्। कृष्णांग पद्म मधुलिट न पुनर्विसृष्ट माया गुणेश रमते, एक बार जो भगवान के चरण कमल रूपी अमृत को आस्वादन करने वाला जो भक्त होगा वह भक्त दोबारा विसृष्ट माया गुणेश वृजना वहेशो न रमते।
ये कैसा है माया गुणा विसृष्टा ये माया गुणा विषया। माया का गुण क्या है? गुण्य त्यानी नैति गुणा माने विषय इत्यर्थ है। माया का जो विषय माया का कार्यभूत जो समस्त विषय है जिसमें दोबारा जो रमण नहीं करता पुनर् न रमते। क्यों? उसके लिए भगवान चरण कमल जो भक्ति है वह ऐसा जो अमृत है उसके दृष्टिकोण से जगत का विषय कैसे होगा? तुच्छ हो जाएगा। इसलिए माया का कार्यभूत सकल जगत का जो विषय है उसके तुच्छ होने के नाते उस दोबारा वो विसृष्ट हो गया, त्याग कर चुका है। जो त्यक्त उस माया के कार्य को दोबारा ग्रहण कर ग्रहण नहीं करता। और माया का कार्य कैसे है उसको विशेष समझाया। वृजिना वहेशु कह दिया, वृजिना वहेशु और साहब क्या है? वृजिन मने पाप, पाप का समुद्र के समान है समझे, पाप का ही कारणीभूत विषय है। और अन्यस्तु कामहत आतरज प्रमार्थम, और दूसरा जो भगवत चरण कमल रोग का भक्ति नहीं करता ऐसा जो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने अंतकरण शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड में लगे हुए हैं, जिससे वो रजगुण वाले कर्म कांड और रजगुण को बढ़ाएंगे ही घटाएंगे तो है नहीं। अन्यस्तु काम हतसन, कामनाओं से हत हुआ बुद्धि है जिसका, ऐसे जो दूसरा आदमी कर क्या रहा है? आत्मरज अपने विद्यमान अपने अंतकरण विद्यमान रजगुण तमगुण रूपी मल को प्रमार्ष्टम शुद्ध करने की इच्छा से कर्म ही है तो कर्म की अनुष्ठान हमेशा करता है। नतीजा क्या होगा? यतेव रज पुनस्या, उसे पुनः रजगुण और बढ़ रहा है। एक कामना के लिए दूसरे की, दूसरे कामना पर तीसरे के लिए, तीसरे के लिए चौथा करते गया तो रजगुण तो बढ़ते ही जा रहा है, घटेगा कहां से? कामना की पूर्ति से आप कोई सोचेगा कि भाई हम सकल कामना को भोग करके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ऐसे हो नहीं सकता। न जात काम कामान भोगी ने शाम्य थी, स्पष्ट कहा है। इसलिए इसी को ध्यान दिलाते हुए कह दिया पर वो और रजगुण को बढ़ाने वाला ये घटाने वाला नहीं। इत्थं स भर्तृगदितं भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्मित धियो यमकिंकरास्ते नैवाच्युताश्रय जनं प्रतिशंखमाना दृष्टं च बिभ्यति ततः प्रवृत्य स्मराजन्। इत्थं स भर्तृगदितं, इस प्रकार से स्वभर्ता उन जो है यमदूतों का जो अपना मालिक यमराज्य के द्वारा कथित वचनों को भगवन् महित्वं भगवान की महिमा को सुन करके संस्मृत्य विस्मित धियो संस्मरण करता हुआ मान आश्चर्य को प्राप्त बुद्धि वाले होकर के ते यम किंकर वे यम के सेवक गण नैव अच्युत आश्रय जनम प्रतिशंक माना, अच्युत को आश्रित किए हुए लोगों के प्रति किसी भी प्रकार का भी आशंका न करते हुए दृष्टुंच विपति बल्कि उस तरफ नजर भी उठा के देखने के लिए डरते हैं वो। और यहां तो डराते हैं, उस तरफ जो आंख उठा के देखेगा उसको आश्रम से निकाल दिया जाएगा, ऐसे कह दिया जाता है। नहीं, मंच से घोषणा किया गया जो कोई भी व्यक्ति उस तरफ देखेगा तो उसको जो है निकाल दिया। और वो ऐसा नहीं, वो खुद ही देखने के लिए डरने लग जाए, यमदूत भी डर जाएंगे। भगवान नाम लेते रहो, यमदूत भी देखने को डर जाएंगे। नियम लगाने की, काम लगाने की जरूरत नहीं, जो वहां देखेगा उसको ये हो जाएगा, ऐसे कोई नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मनुष्य क्षुद्र बुद्धि वाले राग द्वेष प्रयोग कैसे व्यवहार करते हैं, जो वहां जाएगा उस आश्रम में चला जाओ निकाल दो, क्या दिमाग सब ब्रह्म ज्ञानी लोग श्रुद्र ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं? तो यहाँ तो विपरीत है, यदि आप भगवान नाम स्मरण करने लग जाए आपकी तरफ को यमराज भी आंख उठा के देख नहीं सकते, दूसरा क्या देखेगा? दृष्टंच विभ्यति तथा प्रवृत्ति स्मराजन, हे राजन उसके बाद तथा प्रवृत्ति है उसके बाद से तो कभी वो देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। इतिहास इमं गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरिमर्चयन। इस महान इतिहास जो जामिल की कथा है इसको कुंभ योनी कुंभ संभव कुंभ से जन्य जो उत्पन्न होने वाला अगस्त्य महर्षि, उन्होंने मलयाचल नामक पर्वत के ऊपर बैठ करके हरि की अर्चना करता हुआ इस कथा को लोगों को, ये रहस्यपूर्ण अत्यंत गुह्य कथा है, इतिहास है, इसको सुनाए थे। जान के बताया कि विष्णुदेव महाराज ने इस वचन को जोड़ दिया इसने, तो क्या मतलब है? उन्होंने सुनाया तो सुनाए थे, उसे क्या हुआ है?
श्रद्धा बढ़ाने के लिए, जो अगस्त महर्षि जैसा व्यक्ति भी यहां से वहां गए, मलयाचल में गए, और वहां पर जाकर के जो इसका उपदेश दिया, लोगों को सुनाए हैं, तो एक साधारण कथा ये नहीं है। राजोवाच, राजा नाम की महिमा सुनने के बाद वापस लौटता है उसी सृष्टि के जाल में। कहते महाराज आप पहले जो बोले तो उसको पूरा करो, और अब सुन लिया बहुत पंचम स्कंद में, कुछ और शेष है उसमें सृष्टि के बारे में ही। देवासुरनाम सर्गो नागानाम मृग पक्षिणाम सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवेंतरे। कहते जो स्वयं भुव मन्वंतर में यह सामासिक सर्गो, जो संक्षेप में सृष्टि का वर्णन किया, क्या क्या सृष्टि का, देवों का, असुरों का, मनुष्यों का, नागों का, मृगों का, पक्षियों का, इत्यादियों का, अपने जो संक्षेप में त्वया प्रोक्त है, यह आपके द्वारा संक्षेप में कहा हुआ जो सृष्टि है, तस्यैव व्यासम इच्छामि ज्ञातुं दे भगवन यथा अनुसर्गम यया शक्त्या सुसर्ज भगवान परः। तस्यैव व्यासम इच्छामि, उसी का विस्तार से सुनना मैं चाहता। तस्यैव व्यासम ज्ञातुं इच्छामि, विस्तार से जानना मैं चाहता। भगे भगवन यथा अनुसर्गम यया शक्ति सुसर्ज भगवान पर ते, व आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं। ते मैं त्वत्ता, आपसे आपके मुख से मैं सुनना, पंचमी में अर्थ त्वत्ता, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं भगवान ऐसी कौन सी शक्ति के द्वारा यया शक्तिया यथा च सुसर्ज ताम शक्तिम तत्प्रकारं च ज्ञातुम इच्छामि अनुसर्गम च अनुवृत्तम सर्गम इति अनुसर्गम च तत्पश्चात धावी जो सृष्टि हुई है उसके बारे में भी मैं सुनना चाहूंगा। भगवान जो परमात्मा किस प्रकार से किया ये बात आप कमें, कृपया स्पष्ट करें। या भगवान परा कौन है, पर ब्रह्म परमात्मा, वो निशुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, ब्रह्मा जी को लेना, परो ब्रह्मा, उसने सृष्टि किया है सारी, इसलिए उसी को लेना है। सूत वाच, सूत महर्षि कहते हैं राजर्षिर्बादरायणी प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुनि सत्तमाह। सूतवाच, यहां वाच बोल देते, सूची तो कलयुग के आदमी बोले ना, सुखदेव के बाद बोल रहे, सुखदेव जी के बाद सूत शौनक आदियों को सुना रहे हैं, यहां भी वाच बोल दिया है कि नहीं। तो ये सब समाधान पूर्वक समझना चाहिए इन जगहों में। इति संप्रष्टम आकर्ण्य, इस प्रकार से सम्यक प्रश्न को सुन करके, किसके मुख से, राजर्षि है, राजर्षि परीक्षित का प्रश्न को सम्यक प्रकार सुनने के बाद बादरायणी ही, जो बादरायणी है महान योगी है, वो जो है प्रतिनंद्य, प्रतिनंद उसको जो है सम्मान, हाँ बहुत सुंदर प्रश्न तुमने पूछा, ऐसे कहते हुए जगाद भो मुनि सत्तमाह संबोधन ने सूचित शौनकादि मुनिषियों को संबोधन कर रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठो सुनो, उन्होंने क्या कहा तो हम तुमको सुनाते हैं। श्री शुको वाच, शुकदेव महाराज, यदा प्रचेत स पुत्रा दश प्राचीन परिषह अंत समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गाम द्रुमैर्वृधाम। वापस थोड़ा वही श्लोक दोबारा ला रहे जो पहले एक बार कहा हुआ है संक्षेप में। जब प्रचेतस के पुत्र दस थे, प्राचीन बरिश, हाँ प्राचीन बर्री के पुत्र प्रचेतस नाम से सुप्रसिद्ध दस पुत्र थे, दसों का नाम एक ही प्रचेतस रख दिया गया था। वे पिता के आदेश को पा करके प्रजोत्पत्ति करने से पहले तपस्या करने के लिए आदेश हुआ, उसके लिए उन्होंने समुद्र में चले गए, समुद्र में रहकर बड़ी तपस्या कर रहे थे। वहां से जो उन्मग्ना वहां से ऊपर बाहर आए, समुद्राद अंत उन्मग्ना, उन्होंने क्या देखा, गाम पृथ्वीम ध्रुमैर वृत्ताम ददृशः, चार बड़े बड़े लंबे चौड़े पेड़ों में से घिर गया, कहीं कोई इंसान नहीं दिखाई दिया, कोई आदमी नहीं दिख रहा है, जहां जो कोई पहाड़ 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 और जाए, जहां बड़े बड़े पेड़ लगा हुआ है कुछ नहीं। बड़ा गुस्सा आया, कोई नहीं दिखा उनको, कहां से पता नहीं जंगली जंगल दिख रहा है चारों तरफ। देखा भाई क्या, हम ही दस दिख रहे हैं आपस में, और कोई तो है नहीं। ध्रुमेभ्य क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः
मुखतो वायुमग्निंच ससृजुस्तद्धिधक्षया। इन पेड़ों के प्रति बड़ा क्रोध करता हुआ कुर्द्यमाना हते तपो दीपित मन्यभा, तप से बढ़ गया था उनके अंदर बड़ा हुआ, मन्यु वाले हो गए थे, क्रोध आवेश में आ गए, क्रोध करता उनके अंदर तप के कारण से दीप्त हो गया वह और भी तेज हो गया। दीपित मन्यु रेशाम ते मुख तो वायु अग्निंच ससर्जो हो, मुख से वायु और अग्नि दो चीजों को सृष्टि करके उन्हें छोड़ दिया किसी चाह से। कहते हैं तद्धिधिक्षया तद्धिधक्षया अर्थात सगल पेड़ों को दहन करके नाश करने की इच्छा से। ताभ्याम निर्दह्यमानांस्तान उपलब्य कुरुद्व राजोवाच महान सोमो मन्युं प्रशमयन्निव। ताभ्याम मने वायु अग्नि प्यांच, वायु और अग्नि इन दोनों के द्वारा निर्दह्यमानांस्तान सगल पूरा जंगल के जंगल को भस्म करता हुआ ने देख करके उपलब्य हे कुरुद्व, अरे परीक्षित सुनो, उसी समय क्या हुआ, इन सगल जंगलों का राजा सोम नाम का है चंद्रमा, राजा सोम महान, वो जो महान है राजा महाराजा है सगल वृक्षों का जो सोम है, उसने क्या किया, मन्युम प्रशमयन्निव उनके क्रोध को शांत करते हुए के समान वाच ऐसा मृदु और कैसा मधुर वाणी से गंभीर वाणी से बोलने लगा चंद्रवाच सोम वाच। मा द्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धमर्हता प्रजानं पदय स्मृदाहा। अरे भाई संसार को बढ़ाने के लिए आए और नाश करके घटाए जा रहे हो, ये उल्टा काम करने कौन सिखाया आपको है। माद्रुमेभ्यो महाभाग भो महाभागा द्रुमेभ्यो दीनेभ्यो द्रोग्धम मार्हता, ये दीन जो वृक्ष है ना इनके प्रति विद्रोह करना योग्य आप लोग नहीं है, क्योंकि दीन है बेचारे और कुछ करते सकते नहीं, नहीं तो हाथ को पकड़ के पटक देते हैं, हो जाए चलाए फिर चल फिरने वाले हैं नहीं, तो उनको जो चाहे सो कर लो आगे लगा दो, कोई बात बनी, अरे अकलमंदी का काम करो, बुद्धिमान बन रहे हो तपस्या किए हो, पिता ने किस काम के लिए भेजा था वो भूल गए और यहां जलाने लग गए, उल्टा काम कर रहे, ऐसे द्रोह करण योग्य आप लोग नहीं है। द्रोगदम मा अर्हत विवर्देश वो हो यूयम, आप तो बल्कि संसार को बढ़ाने की इच्छा से आए हुए लोगों में से हो और घटाए जा रहे उल्टा। विवर्देश वो यूयम प्रजा नाम पते स्मृदा, और आप लोगों को प्रजापति करके भी कहा गया इसीलिए, अहो प्रजापतिर पतिर भगवान हरिदव्य वनस्पति ओषधींश्च ससर्जोर जमीशम विभ। अरे भाई याद तो करो, तुम प्रजापतियों का भी जो पति है, प्रजापतिर पतिर प्रजापतियों का भी जो पति कौन है, भगवान हरि साक्षात अव्य परमात्मा है, उसने इन वनस्पति और औषधियों को पैदा किया था ससर्ज, क्यों ऊर्जम ईशंच इति मत्वा, उसको उन्होंने ये समझा था ऊर्जम ईशंच, ऊर्जम ने भक्षम, ईशम मने अन्नम, भक्ष अन्य रूपेण इन सारा औषधि वनस्पतियों को उन्होंने जो ना पैदा किया उसको आप जला के राख किए जा रहे हो, विभू उस परमात्मा का विशेषण है। ओहो या खेद में ओहो शब्द यहां के बड़ा आश्चर्य की बात भाई, क्या आप लोग करने जा रहे हो, ईश्वर ने जिस किसको किस लिए बनाया था सोचे समझे बिना प्रजापति होता हुआ प्रजापतियों के भी पति रूप परमात्मा से निर्मित वस्तुओं को नाश करने जा रहे, ईश्वरीय सृष्टि के विरुद्ध में चल रहे हैं, ईश्वरी के सृष्टि के अनुकूल चल के बढ़ाने के लिए आए और विपरीत में चलते उसको नाश कर रहे हो, ये आपके द्वारा ऐसा होना उचित नहीं है। अन्नम चराणाम मचरा ही पदः पादचारिणाम अहस्त हस्त युक्तानाम द्विपदांच चतुष्पदः। चराणाम अचरा है एव अन्नम, आप चरने फिरने वाले मनुष्यों के लिए ये जो अचर वस्तु है ये सब आपके लिए अन्न है, चरने वालों को नहीं खाना चाहिए फिर तो नहीं, चरों के लिए अचर ही अन्न होते हैं, ठीक है सब्जी वगैरह काट के खाइए वो सब तो ठीक है, दाल खाइए सब खाइए, नहीं नहीं मछली खाते हैं बकरा खा जाते हैं सब खा जाते हैं ठीक नहीं, तो चरने वाले वस्तु है वो हम लोग के अन्न तो है नहीं,
क्योंकि जो कह रहे हैं चराणाम अचरायेव अन्नम और पादचारिणांच अपदा, और पादचारियों के लिए पैर हैं और पैर चलने वालों के लिए जो पैर रहित वाले होते हैं ये पेड़ पौधे वगैरह ये उनके लिए अन्न मान लीजिए। हस्ताच हस्तयुक्तानाम हस्तयुक्तों के लिए हाथ हाथ रहित वाले लोग उनके लिए अन्न हो गए। और द्विपदांच चतुष्पद द्विपदों के प्रति चतुष्पद वाले हो जाएंगे अन्न। अच्छा टिप्पणकार भी कर रहे अचराहा पुष्प फलाद्या अपद मने तृण घास आद्या पद वालों के लिए मने घोड़े आदि के लिए घास क्या है हो जाएंगे और न चरने फिरने वाले जो घास आदि हैं वो गाय घोड़े आदि के लिए अन्न हो जाएंगे। और पुष्प फलादि जो है हम मनुष्यों के लिए अन्न हो गया। हस्त जो गोवादि हैं वो हाथ वालों के हस्तयुक्तानाम जो गोवादि हैं हाथ रहित वस्तु वो हाथ युक्त वालों के लिए अन्न हो गया। कैसे दूध आदि के द्वारा हाथ युक्त मनुष्य वो गौ का दूध निकालेगा और उसको ग्रहण कर लेगा। और चतुष्पद गौणे हरिनादि वे जो द्विपद वाले अन्य पशुओं के प्रति अन्न हो जाएंगे। यूयंच पित्र अन्वाधिष्ठा या दिला रहे इसलिए आप लोग क्यों आए थे और क्या कर रहे हो। यूयंच पित्र अन्वाधिष्ठा देव देवे न चानघा प्रजा सर्गा यही खतम वृक्षा निर्दग्ध मर्हत। आप पिता के द्वारा अन्वाधिष्ठ होने पर देव देवे न चानघा देव देवे न पित्रा देवंगा भी देव रूपा पिता के द्वारा आदिष्ट होकर के आप लोग निष्पाप अनगह निष्पाप चित्त वाले प्रजा सरगाए ही प्रजा सर करने के लिए ही आए थे ऐसे जो आप हैं कथम वृक्षा निर्दग्ध मर्द आप वृक्षों को नाश करने योग्य कैसे हो सकते हैं। इसलिए आप वही काम कीजिए जो आपके पूर्वज लोगों ने सतमार्ग में चल कर किए हैं। आतिष्ठत सता मार्गम कोपम यच्छत दीपितम पित्रा पितामहे नापी जुष्टं वह प्रपितामह ही। इसलिए आतिष्ठत सताम मार्गम सत्पुरुषों के मार्ग को आप धारण कर लीजिए और ये क्रोध को जो प्रदीप्त क्रोध है ना इसका आप त्याग दीजिएगा। और क्यों हम उस सतमार्ग में जाएं? अरे भाई आपके पिता पितामह प्रपितामह सभी के द्वारा सेवित व उत्कृष्ट मार्ग के द्वारा ही आपको चलना चाहिए। तो काराम पितर हो बंधुर दृशाम पक्षम स्त्रिया पति ही पति प्रजा नाम भिक्षुणाम गृह यज्ञानाम बुध सुरत। कौन किसकी रक्षा करता है वो भी सुन लो और इसे समझो तुम्हारा काम क्या है इनका रक्षा करना है कि इनका नाश करना है। देखो बच्चे हैं ना उनके रक्षा कौन होते हैं माता पिता पितरो बंधुर दृशाम पितरो बंधु तो का नाम पितरो बंधु दृशांच चक्षु का बंधु कौन है ये जो पक्ष पक्ष माने आपकी जो आंख के ऊपर के नीचे के पलक। स्त्रिया पति स्त्री के रक्षक कौन है पति उसके पति पति प्रजा नाम और प्रजाओं का पालक कौन होगा राजा। और तुम राजा लोग होते तुम्हारे प्रजापति वृक्षों को मार रहे हो। भिक्षुणाम और भिक्षुणांच यहाँ अलग से इसलिए भिक्षुणाम ब्रह्मचर्य आदि नाम गृही ब्रह्मचर्य संन्यास इत्यादि उनके रक्षक कौन होते हैं गृहस्थ। भिक्षा आदि देना उसका काम है नहीं देगा तो भूखा मर जाएगा ब्रह्मचारी है ना। अनक्षर से चलाना उसकी ड्यूटी है भंडारा देना उसका काम है नहीं देगा तो कैसे महात्माओं का काम चलेगा। ये गृहस्थी का काम है वो भंडारा दे अनक्षत्र चलाए वो खिलाए पिलाए व्यवस्था बना रखे ना ना महात्मा का काम नहीं है अन्न क्षेत्र चलाना भंडारा बना करना और जो है ये महात्मा काम है। महात्मा काम खाने का आर्ट इसे लोग तो कई लोग मानते संन्यास का तो भंडारा खाने का लाइसेंस मिल गया भी गलत विचारधारा है उसके लिए ही कई लोग आ जा रहे हैं घर द्वार छोड़कर बेरोजगार हैं और देखा वह काम धंधा ही नहीं घर में और क्या करे चल बाबा बन जा ठाट बाट है वहां तो खाने पीने को सब कुछ मिलता है। बहुत ऐसे आए हुए हैं बहुत हाँ ये कभी आया वही कह रहा हमारा जमा अनुमति दो हम आपको गुरु मानते सब कुछ मानते आप हमें अनुमति दे दो संन्यास लेने को। मैंने क्यों भाई तुम क्या करते थे क्या नहीं करते सब पूछताछ करा
कहता है वो धर्मशाला में कहीं मैनेजरी का काम करता था, उन्होंने नौकर से निकाल दिया, अब कहाँ जाए, न घर का न घाट का, बेचा घर वाला कहते भगन निकल कमा खेला, नहीं कमाते तुम क्यों रखेंगे घर में, सांड थोड़ी पालनी फालतू के, बस घर वाले रखने को तैयार नहीं, बाहर कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, करिएगा क्या, वो कहते महाराज हमको सन्यासी होने दो, जो समाज में विफल है वो जो आते हैं वो यही समझते हैं, फिर खाने पीने की सुविधा के लिए आए हुए, ये चक्कर बहुतों में दिखता है, वो सन्मार्ग नहीं है, सत्मार्ग वालों को ये सब नहीं करना चाहिए, अंतर और अज्ञान च बुधा स्वरूप, और अज्ञानियों के लिए तो जो विद्वान होता है ना वही सुहृत है, वही बंधु है, वही रक्षक है, समझो, अनेक दृष्टांत समझाया, इसे तुम लोग क्या हो अपने आप सोचो, तुम लोग अपने आप को यदि प्रजापति समझते हो फिर प्रजा की रक्षा करो ना, और भी नहीं और भी ज्ञान बात भी कहेंगे, ये सभी में है क्या ईश्वर नहीं है, जिस ईश्वर की इतने सालों से भजन करके निकल आके आए हो और ईश्वर के मंदिर को तोड़े जा रहे हो, हैं? ये सब पेड़ पौधा क्या है, सब में ईश्वर है, इनको काटने का मतलब, इनको नाश करने का मतलब क्या है, ईश्वर के मंदिर को तोड़ना है, ये उचित नहीं है। अंतर्देश भूतानाम आत्मास्तिरीश्वर सर्वम तदिष्टिम इच्छत्वम एवं वस्तोषितो ह्यसौ, कहते हैं अंतर्देश भूतानाम इन सकल भूतों के अंदर, इनके देह में, देह रूपी मंदिर में इन भूतों का जो आत्मा तुम मान रहे हो ना, देहेश अंत शरीरों के भीतर जिन जीवों का आत्म रूप है वो क्या है, वो हरिश्वर, वही हरि है, वही ईश्वर है, अतः भूतानाम देश अंत ते आत्मा, ऐसा ले लो भूतों का शरीर के भीतर में जो रह रहा है और जो तुम्हारा भी आत्मा है वो क्या है, वो हरि ईश्वरी सर्वम तदेशम, इसे जो कुछ भी संसार में है जड़ चेतन विभाग सब कुछ उस भगवान का मंदिर है, अधिष्ठान है, इच्छद्धम इसी दृष्टि से तुम उस परमात्मा को इन सभी में देखो, ऐसा देखकर इन सब का सेवा करोगे एवं वह, इस प्रकार से युष्मा आप लोग जो है ना जो एवं असौ इस हरि को तोषितो, आप हरि को प्रसन्न कर सकते हो, यह समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमूल बनम आत जिज्ञास या यच्छेत सगुणान्नति वर्तते। अरे महाराज लेनी क्रोध आया कहां से, अब आप समझाने के बाद अकल खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, अरे हम गलत कर रहे हैं करके, लेकिन आई कहां से क्रोध अचानक टपक गया, कैसे तपस्या के बाद बाहर आते आते पेट दिखाई दे और क्रोध आ गया, भोजन करने लग गए हम, ये टपका कहां से, अरे तो को पूछो मत कहां से आया, जैसे रज्जू में सर्प आ गया वैसे तुम्हारे अंदर भी आकाश से टपक गया, ये समझो, ये पूछो मत कहां से, किसी जन्म के कोई कर्म थी, कोई वासना ऐसी गंदी थी और तुम्हारा अपने जो स्वरूप को भूल गया और सबको भस्मसम करने लग गया, इसे कहते आकाश समुत्पतितम देहे मन्यम उल्बनम, माने एक तरह से आकाश शून्य से आ गया है, आकाशात में तात्पर्य शून्य से, अर्थात आया ही नहीं पर दृश्य हो गया केवल, इसे दृश्य से अपने मन को हटाओ अलग करो, इसे कहते हैं आकाशात देहे समुत्पतितम उल्बनम मन्यम आत्मजिज्ञासे यच्छे, आत्मा के जानने की इच्छा से उस मन्यु को त्याग दो, ऐसा जो करेगा सैव गुणान्विति वर्तते, ऐसा करने वाला मुमुक्षु जिज्ञासु जो साधक है वह साधक ही क्या होता है, गुणान्विति वर्तते, गुणमय जो दृश्यमय जगत है उसको अतिक्रमण करके वास्तव जो पारमार्थिक स्वरूप की ओर आगे बढ़ पाता है, जो जल गए सो जल गए छोड़ो, अलम दग्धे द्रुमैर्दी नहीं खिलानाम श्यमस्थ वह वार्क्षिहेशा वरा कन्या पत्नी ते प्रतिगृहियताम, अलम दग्धे द्रुमैर्दीन जो दीन ध्रुव पेट जल गए सो जल गए जाने दो उसको, जो खिलानाम जो बचे है ना श्यमस्तु उनका तो कल्याण होवे, उनको ऐसे रहने दो, और ऐसा वार्क्षी यही जो वन के अंदर विद्यमान वृक्षों ने
वो पहले कथा आई थी ना, वो अप्सरा के द्वारा गिराया हुआ जो वीर को सब बच्चे को पाला हुआ है, वो कन्या है वारक्षी नाम की कन्या, इसका नाम इसलिए वृक्षों के तरफ पाली गई होने से इसका नाम वारक्षी। इस कन्या ऐसा कन्या ऐसा वरा कन्या पत्नी ते प्रतिक्रियताम, पत्नी के रूप में आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। भो वराह, इसे संबंध क्या करते अभी, भो वराह आप दसो वर हैं और आप दस की एक पत्नी हो जाएगी वारक्षी नाम की पत्नी। देखो वृक्षों के द्वारा पाली गई यह वारक्षी नामक पत्नी, ये दसों के दसों प्रचेत क्या कर रहे हैं, प्रजापति हैं ये दसों के दसों प्रजापति प्रचेतस उस एक को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है या नहीं। राजा के कहने से सौम्र भी राजा ने कह दिया इसीलिए। हाँ वो तो कहने के लिए है, जिंदा रहने के लिए उसको सुंदरी हो गई, तात्पर्य ये था सोम के कहा के अंगूठे से चंद्रमा का अंगूठा का चूसने से वारक्षी सुंदरी हो गई थी, अत्यंत सुंदरी हो गई थी, ये यहां तात्पर्य था वहां। अलम दग्धर द्रुमयर दीन ही, यहां तात्पर्य क्या हुआ इसका मतलब, आप भी क्या है ये शरीर ही प्रजा है, ये शरीर भी प्रजा को पाल कौन रहे है, ये दस इंद्रिया है, ये दस इंद्रियों का विवाह किसे हो गया वारक्षी से, ये शरीर में सब रोम रोम जितने सब क्या है वृक्ष, यही तो विराट में भी तुलना किया गया, ये शरीर के अंदर रोमादि क्या है यही वृक्ष है, इनके द्वारा परिरक्षित है, ये पैदा नहीं करते इनके द्वारा रक्षित होता है आपके अंदर में विद्यमान जो शक्ति विशेष निक्षीण हो जाए शक्ति, और वह जो शक्ति है ना वही शक्ति क्या है वारक्षी बन गई जो इंद्रियों के संपोषक बनती है और इंद्रिया विषय भोग कर रहे हैं या मुमुक्षा के द्वारा आत्मानुभूति करें वृत्तियां प्रतिक्रियता बुद्धि रूप है, बुद्धि में जो शक्ति का अनुभूति होता है सामान्य शक्ति सामान्य ले लो जो सर्व इंद्रियों में व्यापक, बुद्धि में भी मन में भी अहंकार में सब में व्यापक, सर्वत्र व्यापक जो है शक्ति सामान्य को लेना। इत्यामंत्र वरा आरोहम कन्या माप सरसी इंद्रव सोमो राजा ययो दत्ता ते धर्मेणोपये मेरे, इत्यामंत्र ऐसा संबोधित करते हुए वर को आरोहण करने योग्य वर को जो ग्रहण करने योग्य उस कन्या को जो अप्सरा की पुत्री थी उसके हे नृपर परीक्षित राजा सोम ने उन लोगों को दत्वा ययो दे करके चला गया और उन्होंने क्या किया तेचा और वे प्रचेतसों ने धर्मेण उपये मेरे धर्मानुरूप ऋण उसके साथ विवाह कर लिया। ते भ्यस्तस्याम समभवत् दक्ष प्राचेत किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरितास्त्रय, तेभ्या उन दसों प्रचेतों ने तस्याम उस वारक्षी में क्या किया समवत दक्ष दक्ष नामक जो प्राचेत दक्ष है वो पैदा हो गया, प्रचेत के पुत्रों से प्राचेत कह दिया जाता है। यस्य प्रजा विसर्गेण जिसके द्वारा जिसके प्रजा का विसर विसृष्टि करने के द्वारा आपूरिता त्रेलो का तीनों लोग व्याप्त हो गए, दक्ष कौन है यही अहंकार है, इन सभी ने मिलकर के अहंकार को समर्थन पैदा कर दिया का मतलब उसको संपुष्ट कर दिया और उसने क्या कर दिया आगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को व्याप्त कर लिया अपना विशेष सृष्टि के द्वारा विसर्जन में विशेष सृष्टि के द्वारा उसने क्या किया आपके तीनों लोगों को व्याप्त कर लिया। उसकी विशेष सृष्टि क्या है विभिन्न वृत्तियों के द्वारा अहंकार क्या करता है मैं मेरा बोलते रहता है और इसी के द्वारा सारा जागरण और शिशुता आपकी चली जाती है व्याप्त हो जाता है। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्री वत्सल रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः श्रणुः, यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्री वत्सल दुहित्री वत्सल दक्ष ने जिस प्रकार से भूतों की सृष्टि किया है रेत के द्वारा और मन के द्वारा, कुछ मानसी सृष्टि है कुछ वीरी सृष्टि है शारीरिक शरीर से जन सृष्टियां हैं कुछ तो मन संकल्प मात्र से पैदा करते गया दोनों प्रकार के सृष्टि को तन मम अवहित श्रणो मेरे उन वचनों मेरे द्वारा कहे जाने वाले उन वचनों को अवहित एकाग्र चित वाले होकर के सुनो। पहले मान सृष्टि के लिए आरंभ हो रहा है मन से ही वसृजत पूर्वम प्रजापति रिमा प्रजा देवासुर मनुष्यादीन नभस्थल जलौकसः,
मन से ही वसिचत पूर्व, सबसे पहले आप कभी जैसे होता है ना कोई भी काम करते तो क्या करते हैं आप, पहले मन में प्लानिंग कर लेते हैं हमें ऐसे ऐसे करना है, ये करना वो करना है, ऐसे करना, सब दिमाग में तैयार हो जाता है, क्या भोजन बनाना है, आना जाना है, कुछ भी काम करना है, भले त्रुटियां हो जाते हैं उसमें, सारा प्लान कभी कर कहीं कर तो पूरा का पूरा फेल हो जाता है प्लान, सोचा कुछ किया कुछ हुआ कुछ और। ये मनुष्य की अपनी कमजोरी है, लेकिन प्रजापति दक्ष में ये बात नहीं है, जो मन से सोचता है वही होता है, सत्य संकल्प है वो, इसलिए उसने मन के तरफ पहले सारा सृष्टि का प्लानिंग कर लिया। इमा प्रजापति मन सैव असृजत पूर्वम, इमा प्रजा प्रमन अग्रे, बाह्य स्थूल दृष्टि उत्पन्न करने से पहले, क्यों पैदा करने के बाद तुम क्या करोगे उसमें, ये गलत पैदा हो जाए तो पहले उसके दिमाग में प्लानिंग सही सही रखना चाहिए। जैसे कोई मकान बनाने के लिए पहले सोचना पड़ता है ना, हाँ कहीं से भी खोदो कहीं से भी ईंट चढ़ा दो, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे कोई मकान बनेगा, उसी को छोड़ दो काम करने वाले, बोले तुम्हारी मर्जी है भाई जैसे जैसे खोद दे, तो अगले बोले तुम्हारी मर्जी जैसे जैसे वैसे नहीं लगा दो, टेढ़ा मेढ़ा जैसे जैसे कर डालेंगे फिर उसमें सो भी नहीं पाओगे आप, और डिजाइनदार बना दे टेढ़े मेढ़े बना देगा, ईंट चढ़ाने वाले टेढ़ा मेढ़ा चढ़ा देगा तो कैसे चलेगा, सब हिसाब से होता है काम, बड़ा प्लानिंग से होता है, और सब आपके मन में पहले तैयार है, ऐसे यहाँ ये होना वहां होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसे होना चाहिए, उसे गड़बड़ाए तो डांटेंगे, अरे क्या तुमने बनाया, हमने कहा था ऐसे बना तुमने ऐसे बना दिया, थोड़ा इसको बनाओ दोबारा। यहां पर भी इसलिए पहले मन के द्वारा प्रजापति सृष्टि निर्माण कर लिया, क्या क्या सृष्टि निर्माण किया, इमा सर्वा प्रजा, सारे प्रजाओं को पैदा कर दिया, देवासुर मनुष्य आदि, देव असुर मनुष्य, आकाशस्थ दूलोकस्थ योनिया, स्थल मने पृथ्वीस्थ योनिया, जलस्थ योनिया, समस्त प्रकार की योनियों को सृष्टि कर दिया मन से। तम अबृंहतम मालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति विंध्य पादान उपवृज्य सोच दुष्करम तप, लेन देख क्या देखा उसने, अपृंगतम असमृद्धम, वो बढ़ी नहीं रहे, मानसिक सृष्टि कहीं बढ़ेगी क्या, मन में ही मन का लड्डू मन में बढ़ते रहे क्या फायदा होगा, है ना, आपने देखा भाई मन से एक लड्डू बनाया वो छोटा था, अब उसको मन से बड़ा बना लो पेट तो भरेगा ही नहीं, इसलिए मन के बनाए सृष्टि को देखा सिर्फ वृद्धि हो ही नहीं रही, वैसे के वैसे पड़ा है, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अवृंगितम आलोक्य प्रजा सर्गम, अविस्तार को प्राप्त इस प्रजा सृष्टि को देख करके उस प्रजापति ने विंध्याचल के चरणों में चला गया, विंध्य पादान उपस्पृज विंध्याचल के तलहटियों में जाकर के वह बैठ गया, स्वचर दुष्कर्म तप भयंकर तपस्या उसने आरंभ किया। तत्राघमर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम उत्पृश्यनो सवनम तपसा अतोषयद्धरिम, तत्र अघमर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम, समस्त पापों को हरण करने वाला श्रेष्ठ एक तीर्थ अघमर्षण नाम से था, और उस तीर्थ में उपस्पृश्य नित्य नित्य अनुसवनम, मान तीनों ही काल, प्रातः काल, मध्यान्हन काल, सायंकाल और मध्य रात्रि, चारों सवनों में जो क्या किया उसने, उपस्पृश्य स्नान आदि निपट करके तपसा महान तप के द्वारा हरिमतोषित हरि को प्रसन्न कर दिया। अस्तौषित हंस गुह्येन भगवन्तं मदोक्षजं तुभ्यं तत् अभिधास्यामि कस्यान् कस्यातु शद्यतो हरिः। अस्तौषित हंस गुह्येन, एक हंस स्तोत्र, गुह्य स्तोत्र, बड़ा रहस्यपूर्ण स्तोत्र, ये हंस नामक गुह्यतम स्तोत्र के द्वारा भगवान अधोक्षत भगवान विष्णु को उसने स्तुति किया, प्रसन्न कर डाला। अस्तोषित तेन कस्य प्रति, वो कौन प्रजापति के प्रति, हरिरपि यतोतोषित, हरि के भी जिससे अत्यंत प्रसन्न हो गया था, तत् उस स्तोत्र को तुभ्यम अभिधास्यामि, तुम्हारे लिए मैं अब कथन करने जा रहा हूं। वो कौन सा स्तोत्र पाठ किया था, वस्तोत्र वर्णन कर रहे हैं। प्रजापति रुवाच, प्रजापति प्राचेतस दक्ष ने कहा, नमः पारा पराया अवितानुभूतये
गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुणतत्व बुद्धिभिर् निवृत्तमानाय दधे स्वयं भुवे। नमः पराय अविदतान भूतये, नमः पराय जो पर है विशुद्ध है, कैसा है अविदित अविदत अनुभूतये, अमिथ्या रूप अनुभूति स्वरूप परमात्मा है। विथत मने मिथ्या, अविदित मने अमिथ्या, अर्थ यथार्थ पारमार्थिक अनुभूति स्वरूप परमात्मा के लिए, ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए। गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे, गुणत्रय का आभास का निमित्त कारण रूप परमात्मा के लिए। अदृष्ट धाम नहीं, जिसका कोई धाम विशेष दर्शनीय नहीं है, ऐसे परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है। और कैसा है तयोर बंधवे नियंत्रित तिरता निमित्तम माया च तयोर बंधवे, माने नियंत्रण उन दोनों को बंधने वाला नियंत्रण गुणत्रय का आभास हो गया जीव, है ना, और उस जीव का भी निमित्त कारण कौन है माया, अर्थात जीव और माया इन दोनों को नियंत्रण करने वाला उस परमात्मा के लिए। अधिष्ठान रूपेण वही एक तरह से नियमन कर रहा है, इसलिए कह दिया गया एवं गुणेश तत्वबुद्धि येषां तैर जीव अदृष्टम धाम, मरे जीव कैसे हैं गुणों में ही तत्वबुद्धि रखने वाले जीवों के द्वारा अदृश्य है सब प्रकाश होता हुआ आत्मा, यदि वो आत्मा स्वयं है सब प्रकाश है, फिर भी गुणों में ही आसक्त बुद्धि वाले होने के कारण से अदृष्ट है सब प्रकाश भूत आत्मा जिनका, ऐसे परमात्मा ने हमारा नमस्कार है। गुण तत्व बुद्धिवीर है ना, अदृष्ट धाम ने ऐसा नहीं, गुण तत्व बुद्धिवीर गुणेशेव तत्व बुद्धि येषां तई अदृष्ट धाम ने परमात्मा ने नमः निवृत्त मानाय दधे स्वयं भुवे। और निवृत्त मानम यस्मादि, जिन्होंने अहंकार आदि को त्याग दिया है ऐसों के लिए ही केवल अनुभूति का विषय होता है जो परमात्मा, ऐसे परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है। निरस्त मानम अवधिश्चय स्मात, ऐसे भी अर्थ किया है, निवृत्त मानाय स्वयं भुवे ऐसे स्वयं परमात्मा के लिए दधे, मैं हमारा हम अपना ध्यान करते हैं उनको मैं धारण करता हूं अपने अंतकरण में, उनको नित्य धारण करता हूं नमस्कार पूर्वक धारण किया। न यस्य सख्यम पुरुषो अवैति सख्यो सखा वसंत संवसत पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। न यस्य सख्यम पुरुषो वैति सख्यो, कहा देगी भाई देखो पुरुषा मने सखा जीवा, सखा कौन है यहाँ पुरुष जीवात्मा, पुरुषो सखा नयस्य सख्यम ऐसे जोड़ देना, पुरुष हो गया पुरुषो सखा से तात्पर्य जीवात्मा, इस अस्मिन पूरे देह इस शरीर के भीतर कैसा रह रहा है वो पूरे अस्मिन इस शरीर रूपी पुर के भीतर वसन्नपि वास करते हुए भी अत्रैव संवसतः, इसी शरीर के अंदर द्वास पूर्णा सोजा सखाया सगुण साकार में आ गया, निर्गुण ले लिया अब सगुण साकार में ईश्वर भाव अंतर्यामी भाव में आ गया। हाँ, पहला श्लोक यहाँ निर्गुण निराकार पूरा कथन कर दिया जो सारे का सारा उसमें है, फिर सगुण साकार में आते हुए अंतर्यामी को ले लिया, कति इसी हृदय के अंदर बसता हुआ इस जीव के साथ संवसतः साथ साथ वास करता हुआ रह रहा है वो, ऐसा जो परमात्मा, उस परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है। नयस्य सख्यम, वास्तव में कोई इसका कोई सख्य नहीं है, कोई सख्य है ही नहीं, फिर भी एक जीव को सखा मान के उसके साथ वास करता दूसरा सखा बन गया है। अच्छा, और गाते क्या गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्ट है तस्मै महेशाय नमस्करोमि, कहते हैं कि गुणो यथा यथा सैव गुणो विषयो गुणिनो विषयिनं प्रति इंद्रादे सख्यम प्रकाशकत्वं यथा न वेत्ति तद्वत्, जैसे जो है गुण है जो विषय है ना, अपना गुणी जो विषयी है कौन इंद्रादियों के बुद्धिमान वह सख्य बुद्ध जीवात्मा उसको विषय जान नहीं सकते, माने प्रमाण और प्रमेय कभी प्रमाता को अनुभव नहीं कर सकते, प्रमाता प्रमाणों के द्वारा प्रमेय को अनुभव कर सकता है लेकिन प्रमेय कभी प्रमाण को गिले करके प्रमाता का अनुभव नहीं कर सकता, घट आपको जान लेगा ऐसा कभी नहीं होगा,
लेकिन आप घट को भले जान पाते हैं। इसीलिए हम लोग परमात्मा को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम विषयासक्त और विषय से तादात्म्य अध्यास किए हुए रहेंगे, क्योंकि विषय परमात्मा को जान नहीं सकता, परमात्मा को जान नहीं सकता। इसलिए जब तक हम विषयों से अलग नहीं हो सकते हैं, स्वस्वरूप परमात्र स्वरूप को विविधा जीव ब्रह्म ऐक्यता का अनुभूति नहीं कर सकते। इसे कहते हैं गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टि, अव्यक्त दृष्टि ऐसा अवग्रचन करना पड़ेगा। जैसा जो है गुण है, गुण का मतलब क्या है, अतः व्यक्ति भी ले सकते हैं, व्यक्ति प्रपंच, व्यक्त प्रपंच में ऐसा अनुभव कर लो, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्त दृष्टि है, व्यक्त प्रपंच है, एव दृष्टि यस्य, व्यक्त प्रपंच में ही है दृष्टि जिनका, ऐसे जो जीव लोग हैं वो जो जीव है स गुणो विषयो गुणिनो विषयिण इंद्रियादे है सक्यम सप्रकाश तत्व यथा न वेत्ति तद्दत अयम अपि न वेत्ति तीर्थ नयस्य सक्यम, ऐसा ना इसे उसके साथ जोड़ेगा वो नयस्य सक्यम अवैति, अवैति क्रियापद है उसके साथ। इस तरह से यहां पर जीवात्मा अपने साथ साथ सखी भाव से रहता हुआ उस परमात्मा को नहीं जान पाता है। देहो असवो वक्षा मनवो भूत मात्रा नात्मान मन्यंच विदु परम यत् सर्वं पुमान वेद गुणाश तज्ञो न वेद सर्वज्ञम अनंत मीडे। देहो असवो अक्षाह मनवः भूतमात्रा नात्मानं मन्यंच विदुः परम यत्। कदे जो शरीर है, असव मने जो प्राण है, अक्ष मने इंद्रियां, मनवः और मनु की जो मन की वृत्तियां को लेकर के मनवः कर दिया, और भूतमात्रा भूतों की मात्र तन मात्राएं, ये सारे के सारे आत्मानं मन्यंच वो न अपने आप को जान पाते हैं, न दूसरे जो पर है उस परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। सर्वन पुमान वेद, लेकिन वो जो परमोश परमात्मा सबको जानता है, गुणांश तज्ञो न वेद सर्वज्ञम अनंत मीडे, गुणांश गुणों को भी जानता है, सब कुछ जानता है वो, लेकिन तज्ञो अभी गई गुणांश तज्ञो, गुणांश तज्ञो डालो तब ना होएगा, समय भी हो गया, थोड़ा एक श्लोक खत्म कर देते। गुणांश तज्ञो कहते यहां पर विचार विचार था कि भाई पुमान जीवस्तु सर्वमेत त्रयम वेद गुणांश तन मूलभूतान वेद, जो है पुरुष जो जीवात्मा है ना वो सारी चीज को जान पाता है, किसको किसको, देहश्च असवश्च मैंने प्राण अक्षाणी मैंने इंद्रियाणी मनवश्च अंतकरणानि, इसलिए बहुवचन कर दिया है, भूतानि च मात्राश्च तन्मात्रा मात्राणि आत्मानं स्वरूपं दृश्यं अन्यं इंद्रियवर्गं तयोपरं देवतावर्गं च न विदुः, इन तीनों को नहीं जान पाते हैं, न आत्मा को जानते हैं मैंने अपने स्वरूप को, न दृश्यं अन्यं जो अन्यभूत दृश्य होता है इंद्रिय वर्ग है उसको भी नहीं जानते, तयोपरम सबसे परे जो देवता वर्ग है उसको भी नहीं जान पाते, आदिदैव अधिकरण और स्वस्वरूप इन तीनों को नहीं जान पाते। इन पुमान जीवस्तु जो पुरुष जीवात्मा है उन सबको देख रहा है, विषयों को भी देख रहा है, इंद्रियों को भी देख रहा है, अंतकरण को देख रहा है, अंतकरण अभिमानी देवताओं को भी ग्रहण कर पा रहा है, और इसलिए समझ रहा है मेरे पर सूर्य का अनुग्रह, देखो मेरे अंक से ही है, सब मैं देख रहा हूं, सबको ग्रहण कर पाता है। सर्वमेत त्रयम वेद गुणाशतन मूल भूतांच वेद तद्योपि सन यम सर्वज्ञम न वेद, यदि भी सारे चीज को जान रहा है लेकिन फिर भी आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक सकल पदार्थों को जान रहा है जीवात्मा, फिर भी उस सर्वज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा को नहीं जान पाता है। न वेद सर्वज्ञम अनंतम तारस अनंत परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि